जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। मैं आप सबकी बहन आरती घोसी, आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार की आने वाली कथा कहाँ है शायद आप सबको पता हो, अगर जिसको नहीं पता है तो प्लीज हमें वीडियो देखना और वीडियो के द्वारा जानकारी प्राप्त करना। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि दिव्य दरबार जी हमारे बागेश्वर धाम सरकार का बिना टोकन का दिव्य दरबार कब लगना है, तो वीडियो में बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो बागेश्वर धाम सरकार का मतलब राम कथा होने जा रही है हमारे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में। जी हाँ, टीकमगढ़, खास टीकमगढ़ में होने वाली है श्री राम कथा। और इसका मतलब 25 फरवरी से और 5 मार्च तक चलेगी। जी हाँ, इस नौ देवी महा अवसर पर 9 दिन का जो महा मतलब महा अवसर रहेगा वहाँ पे सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं और 25 तारीख से राम कथा का आरंभ भी हो चुका है। आराध्या नहीं करो, आराध्या 25 फरवरी से कथा का आयोजन भी हो चुका है और 5 तारीख तक चलेगा, जिसमें 9 दिन का मतलब 9 दिन लगेगा महाउत्सव। महाउत्सव है जहाँ श्री राम का नाम लिया जाए, सब मतलब महाउत्सव ही होता है हम सबके लिए, है ना। तो और उसमें दिव्य दरबार लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं मिल पाती है किसी कारण, और जिसको नहीं मिल पा रही थी जानकारी हम दे रहे, हमारी वीडियो शेयर कर देना तो जाके सभी लोगों को पता चल जाए कि दिव्य दरबार कब लगना है। तो दिव्य दरबार लगना है बागेश्वर धाम में 27 और 28 फरवरी को। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार की जो महा श्री राम कथा हो रही है उसी दौरान 2 दिन का बिना टोकन का दिव्य दरबार लगेगा 27 और 28 फरवरी को, जिनमें गुरुदेव किसी भी परेशानी से पीड़ित लोग जाएंगे, मतलब जिनको जाना हो वो जाएं, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता तो हम बता दे रहे हैं। बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, अपनी अपनी घर की समस्या कुछ और समस्याओं लेके जाना होता है, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है कि नहीं। तो आप लोग जाना, टीकमगढ़ चले जाना, बागेश्वर धाम सरकार आपकी सभी मुरादों को पूरे करेंगे, जो भी परेशानी होगी उसका निवारण करेंगे, परेशानियों को दूर करेंगे जी। और आपको बता दें कि जो मतलब टीकमगढ़ में महाउत्सव चल रहा है 9 दिवसीय, मतलब 9 दिन का आयोजन चल रहा है, उस 9 दिन के आयोजन में सभी भक्तों के लिए लाखों की संख्या में लोग जाएंगे। आप सबको तो पता ही है हमारे बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में उनके दर्शन पाने के लिए कितनी भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं और मतलब जाएंगे ही, वो तो पक्की पहली बात है। तो वहाँ पे सभी भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। अगर कई लोग दूर दूर से जाएं तो भोजन ना ले जाने की मतलब बहुत सी परेशानियाँ बोलते हैं लोग कि हम जा रहे हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं, तो खाना पीने की दिक्कत परेशानी होगी। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप सब जाइए, क्योंकि हमारे पूजनीय गुरुदेव ने सारी व्यवस्थाएँ करके रखी हैं वहाँ पर टीकमगढ़ में। जो भी मतलब जो भी जाए लेकिन अपने बच्चों को संभाल के रखें, भीड़ भाड़ वाले वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। अभी आप सबको पता है कि बागेश्वर धाम में कितने बच्चे खोए हैं और मतलब बड़े लोग भी खो गए हैं, मतलब जिनकी कंडीशन ख़राब थी, दिमाग की हालत ख़राब थी, वो खोए हैं और बाकी नहीं खोए, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को संभाल के रखें और जैसे ज़्यादा जितना हो सके बच्चों को तो मतलब ले ही ना जाए, आप बड़े लोग ही जाए, क्योंकि गुरुदेव ने साफ तौर पे कह दिया है कि बच्चों को लेके क्या होता है कि देखो बच्चे भी घबरा जाते हैं भीड़ को देख के, है ना। हमारी आराध्या है तो भाई हमारी आराध्या तो भीड़ को देखती है और घबराने लगती है और रोने लगती है, तो इसकी वजह से आप सबको बता देना, हमारा फर्ज था कि जो हमें जानकारी मिली तो हमने आप सबको बता दी। और जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि आप सबको माताएं बहनें होती हैं जो मतलब उन सबको तो पता है कि घर का काम कितना होता है, और घर का काम कर ख़त्म करके वीडियो टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना आप सबका फर्ज है, अपनी बहन का सपोर्ट करना भी आप सबका फर्ज है कि नहीं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो आज का यहीं तक, और आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।